नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा, न्यायालय का फैसला रामलला के पक्ष में आएगा। रामलला जहां विराजमान है वहां मंदिर था और रहेगा। बिलासपुर के थाना सरकंडा में पदस्थ पुलिस जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। नेपालपुर तहसील के अटाहेड़ा गांव में पशुओं में फैली एक अजीब बीमारी, 3 दिनों में 11 भैंसे काल की गाल में समाई, लाखों के पशुधन का हुआ नुकसान। राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का कहना है कि न्यायालय का फैसला रामलला के पक्ष में आएगा। जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर था और रहेगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद में हिंदू देवी देवता नहीं होते हैं, इसलिए वहां मस्जिद कभी नहीं थी और ना ही बाबर कभी अयोध्या आया था। फैजाबाद से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आएगा। जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। वहां पर मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था, न है, न रहेगा। इसलिए जैसे कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को निर्णय दिया था, जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर है, वही राम की जन्मभूमि है। मुझको विश्वास है आज भी कोर्ट का फैसला यही आएगा कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। इसलिए मस्जिद नाम की कोई चीज़ वहां थी ही नहीं, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। मस्जिद में परिक्रमा नहीं होती, वहां परिक्रमा थी। मस्जिद में देवी देवताओं के चिन्ह नहीं होते हैं। वहाँ गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, गणेश की मूर्ति, वहाँ धनुष बाण के चिन्ह थे। इसलिए मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई मोहल्ला नहीं, कोई गली नहीं। बिलासपुर के थाना सरकंडा में आने वाले बहतराई चौक पर हुए सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक पुलिसकर्मी रितेश सोनी थाना सरकंडा में ही पदस्थ रहा है। यह हादसा उस समय हुआ जब रितेश अपनी ड्यूटी करने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, तब अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बिलासपुर से प्रकाश जीवनानी की रिपोर्ट। नेपालपुर तहसील के अटाहेड़ा गांव में पशुओं में फैली अजीब से पिछले 3 दिनों में 11 भैंसे काल के गाल में समा गई। इस घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और लाखों के पशुधन का नुकसान हुआ। भैंसों की मौतों का यह मामला जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर देपालपुर के ग्राम अटाहेड़ा का है। ग्रामीणों ने भैंसों को बचाने के लिए वेटरनरी अस्पताल की भी शरण ली, लेकिन किसी तरह की राहत नहीं मिली। किसान शालिग्राम की अज्ञात बीमारी से 6 भैंस मारी जा चुकी है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। चिकित्सकों के समक्ष भी गुहार लगाई। इसके बाद चिकित्सकों ने मृत पशुओं का सैंपल लेकर मौत के कारणों का पता लगाने की बात कही। उसकी जांच करवाए तो 3 बजे देंगे। 3 बजे के बाद गया मैं कि 3 बजे बाद मेरी भैंसों को आराम हुआ नहीं। जिसके बाद भी हमारा डॉक्टर था हमारे गांव का, उसने फिर हम पिचकारी वहीं लगाई तो उसने कहा काका नहीं ऐसे दम नहीं है, अब चलो यार तुम्हारा अपने छोटा आदमी मर जाएंगे अपन। तो आए थे भर्ती कर दो, तो सांस चल रही है भैंस को, जिसके बाद भर्ती कर दो, कुछ भी नहीं है इसको, अभी इलाज ही नहीं हो रहा। जाँच से ये प्राप्त हुआ है कि उनमें कोई बैक्टीरियल बीमारी का इन्फेक्शन है, लेकिन वो कंफर्मेशन अभी हुआ नहीं है। तो उसके लिए लैब की टीम फिर से आ रही है, आज फिर हम सैंपल लेके जांच करवाएंगे। मेरे को पता लगा कि कुछ किसानों का नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनके 4-5 जानवर मरे एक किसान के। तो हम जिला प्रशासन और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की अपील करेंगे। किसानों के साथ मैं उनसे मिलूँगा और जो उनकी किसानों की मदद हो सकती है वो करेंगे। नेपालपुर से जितेंद्र तवर की रिपोर्ट।
प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समीप 96 लाख रुपए के बजट से बनने वाले तीर्थयात्री निवास का भूमि पूजन किया। इस मौके पर तीर्थयात्रा और मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय दुबे भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया एक तीर्थ स्थान बन चुका है, अब यहां पूरे देश भर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दतिया में अब तक देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह सहित देश की सभी हस्तियां आ चुकी है। तीर्थयात्री निवास बनने दूर दराज से अपने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने सीता सागर तालाब में नौका विहार का शुभारंभ किया और नौकायन का आनंद भी लिया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा बडोनी पहुंचे और हितग्राहियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट। जितने भी बडोनी में गरीब लोग हैं, जिन पर रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जिन पर जमीन के प्लॉट का टुकड़ा नहीं है, हम सबको देने वाले हैं, सबको, कोई को भी नहीं छोड़ेंगे। फर्जी निवेश कंपनी बनाकर कम समय में धन दुगना करने का लालच देकर लोगों की कमाई पर डाका डालने वाले इनामी नटवर लाल को जालौन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जालौन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नटवर लाल लल्लू सिंह उरे में एनजीजी मार्केटिंग नामक कंपनी के नाम से धोखाधड़ी कर रहा था। जब आम लोगों का जमा लाखों रुपया निवेश होने के बाद लौटाने का समय आया तो नटवर लाल रातों रात कंपनी के ऑफिस में ताला डालकर फरार हो गया। निवेशकों की शिकायत पर इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें से 2 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस के कब्जे में जालसाजी का मास्टरमाइंड नटवर लाल है। लल्लू सिंह पर 10,000 का इनाम घोषित था। जालौन से मनीष राठौर की रिपोर्ट। दतिया से एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यह मामला बेहद संजीदा है, जिसमें युवती के पति ने ही उसे अपने रिश्तेदारों को बेचा और उसके बाद युवती के साथ दरिंदगी की गई। अब इस बात की शिकायत युवती ने अपने माता पिता से की तो मामले का पता चला। इस मामले में परिजनों ने पुलिस की शरण ली है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस को कुछ और आरोपियों की तलाश है। दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली में कि दूल्हों के खिलाफ ये रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि उन्होंने ऐसा किया है, जिस पर से धारा 376 में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।